हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम कर रहे हैं रोड ट्रिप ओरेगन का। यस, तो ओरेगन वाशिंगटन की नेबरिंग स्टेट है, जैसे कि हमने पहले ब्लॉग में भी शायद आपको दिखाया हुआ है। यस, तो क्योंकि ओरेगन हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे है 4th of July, जो कि US का होता है इंडिपेंडेंस डे। हाँ, तो लॉन्ग वीकेंड लोग बना लेते हैं एंड एवरीवन गोस समवेयर। तो यस, एंड वैसे तो यूएस में ना छुट्टियां मोस्टली मंडे और फ्राइडेज होती है, बट लाइक 4th of July ऐसा एक वो होता है। इस बार 4th of July इसलिए पड़ रहा है, ट्यूसडे को पड़ रहा है। तो 4th of July इसलिए दे कांट चेंज, इसलिए ट्यूसडे को है। तो लोग क्या करते हैं ना, मिड आगे पीछे छुट्टियां लेके अपना पूरा समर वेकेशन मना लेते हैं लॉन्ग। हाँ, और जनरली वैसे यहाँ पे संडे या सैटरडे को अगर कोई भी हॉलीडे पड़ता है तो ये लोग मूव कर देते हैं, फ्राइडे कर देते हैं, मंडे कर देते हैं। दैट इज गुड एक्चुअली, दैट्स गुड, लाइक पीपल अपना लोग अपना आराम से एंजॉय करें अपनी छुट्टियाँ। तो ओरेगन एक्चुअली फेमस है अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए, लाइक वाशिंगटन उसकी अलग नेचुरल ब्यूटी है। और द अदर थिंग इज कि वहाँ पे ना कोस्ट लाइन उसकी बहुत अमेजिंग है। यस, तो कुछ लोग जाते हैं नेचुरल ब्यूटी एंजॉय करने लाइक माउंटेन्स, रिवर्स। हम इस बार जा रहे हैं एक्चुअली ओशन एंजॉय करने, कोस्ट, बीचेस, कोस्ट लाइन एंड ऑल दैट। यस, क्योंकि ओरेगन इतना बड़ा है ना, यू कांट कवर इन वन गो, क्योंकि एक साइड कोस्ट लाइन पड़ता है, एक साइड आपकी हाइक्स, पूरे वाटरफॉल, लेक्स, ये सब पड़ती है, तो आप एक गो में नहीं कवर कर सकते हो। तो इस बार हमने सोचा है कि इस बार हम पूरा ही कोस्ट लाइन, बीचेस, ये सब कवर करेंगे डेडिकेटेडली। यस, एंड यहाँ से ओरेगन का आई थिंक कितने घंटे लगते हैं? आई थिंक जहाँ हम जा रहे हैं वो अराउंड 5 and a half आवर्स है, 6 hours मान लो, लेकिन ओरेगन लाइक 4 hours में सियाटल से आप पहुँच सकते हो। यस, क्योंकि हम जाएंगे रुकते रुकते, तो घूमते घामते एंजॉय करते हुए जाएंगे रोड ट्रिप को। तो चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं। सो गाइज, अभी हमें हाईवे 101 पे, वैसे तो ओरेगन जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, बट हमने हाईवे 101 इसलिए चूज़ किया बिकॉज ये पैसिफिक कोस्ट हाईवे है। ये हमने आपको अपने कैलिफोर्निया ब्लॉग्स में भी दिखाया होगा, तो अगर आप लोगों ने वो ब्लॉग्स नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, डू चेक देम आउट एज वेल। यस, तो ये पूरा एक्चुअली हाईवे 101 है, जो यूएस का वन ऑफ द मोस्ट सीनिक हाईवेज में से एक है। यस, एंड हम रुके हैं बीच में, बहुत अमेजिंग व्यू आपको दिखाते हैं हमारे पीछे। ये पूरा गलीबा बे है एक्चुअली, मुझे तो ओशन लग रहा है इतना बड़ा ये एक्चुअली। यस, बट ये बे है, ये बे है, और ये पूरा हाईवे 101 है जो इस बे के साइड से चलता हुआ जाता है। yes. और आगे पैसिफिक ओशन में मिल जाता है, तो इस बे पैसिफिक ओशन में मिल जाएगा, और हाईवे 101 बेसिकली उसके साइड से होते हुए जाता है। yes. बहुत सीनिक ड्राइव है यहाँ। yeah, बहुत सीनिक ड्राइव है। तो अभी वैसे वाशिंगटन ही चल रहा है, अभी ओरेगन स्टार्ट नहीं हुआ है। जब ओरेगन स्टार्ट होता है तो आई थिंक ये गलीबा बे जो तुम बता रहे थे उसमें पैसिफिक ओशन में मिल जाएगा। कोलंबिया रिवर लग ही नहीं रही है, ये भी बहुत बड़ी है एक्चुअली। हाँ, तो ये हाईवे 101 ही जा रहा है एक्चुअली। अब इसके लेफ्ट हैंड साइड में कोलंबिया रिवर आई है, इससे पहले राइट हैंड साइड में वो बे पड़ा था। यस, कितना सही व्यू है, व्यू तो अमेजिंग है। इतना सही लग रहा है यार। यस, इधर भी कुछ है, हाई कोलंबिया रिवर ये ब्रिज है उसके ऊपर से जा रहे हैं। नाइस, तो जस्ट हम ओरेगन में एंटर करने ही वाले हैं। आई थिंक ओरेगन में एंटर कर गए हैं, आई डोंट नो, आई थिंक करने वाले हैं, अभी करा नहीं है हमने। बहुत टाइम लग गया आज। ये कोलंबिया रिवर आई थिंक जाती है ओरेगन तक, राइट? आई थिंक वो ब्रिज दिख रहा है ना, हां हां, वहां से जाएंगे शायद। ब्रिज तो अच्छा लग रहा है। यस, हां, कोलंबिया रिवर भी ओरेगन में जाती है, एंड ओरेगन भी कवर करती है, काफी अच्छे व्यू पॉइंट्स आते हैं ओरेगन के अंदर कोलंबिया रिवर के पास में। फाइनली हम एंटर हो गए हैं ओरेगन में। यस, ये ब्रिज है जो कनेक्ट करता है वाशिंगटन और ओरेगन। यस, और ये बहुत लंबा ब्रिज है, और ये मैप में दिख भी रहा है, ये जो लाइन है दैट इज द बॉर्डर ऑफ वाशिंगटन एंड ओरेगन। ये पूरा कोलंबिया रिवर के ऊपर से ही जा रहा है ये पूरा ब्रिज ना। यस, सो अमेजिंग। यस, हम अभी हो चुके हैं ओरेगन में एंटर,
और हम अभी 101 में ही हैं एंड ये 101 पूरा एंड तक जाएगा, क्योंकि जहाँ हमने अपना बीएनबी बुक किया है वो बिल्कुल बीच के पास है, वो हम आपको दिखाएंगे आगे। तो आप हमारी ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि हम बहुत अमेजिंग व्यू है वहाँ से, जो हमारा बीएनबी है वो ओशन फ्रंट बीएनबी है। तो बेसिकली बिल्कुल जो कि बालकनी पैटियो से ओशन दिखता है, दैट इज द व्यू दैट जो हमने बुक करा है। आप जाके देखते हैं कि कितना ब्यूटीफुल एक्चुअली वो लगता है, और आपको भी दिखाते हैं। बट अभी के लिए तो यहाँ पे एक बहुत अमेजिंग सा ब्रिज आया है, मुझे ऐसा लग रहा है। जो कि अगेन अभी तो 101 तो फुल ऑन व्यूज ही है। हाँ, ओ वाओ, मैं दिखाती हूँ आपको, ये बहुत अमेजिंग व्यू है। ये देखो कितना सही व्यू है यार। ये कोई बे है, यंगेस्ट बे एक्चुअली। यंगेस्ट बे देखो ये लिखा हुआ है, वाओ बे, ओ माय गॉड। ये सारी पैसिफिक ओशन से ही आ रही है, पैसिफिक ओशन में जाके मिल रही है एक्चुअली। कैलिफोर्निया तक ऐसे ही रास्ता पूरा कैलिफोर्निया तक। देखो गाइस ये देखो, आपको दिख रहा होगा मर्ज हो रहा है आगे। यस, ये देखो नीचे पूरा ऐसे पत्थर पत्थर रखे हुए और ऊपर पूरा ब्रिज बना हुआ है, अमेजिंग। सो गाइस फाइनली पहुंच गए हैं अपने बीएनबी पे, एंड जैसे ही हमने बीएनबी पे एंटर किया, पार्कआउट किया, तो हमारे बिल्कुल बीएनबी के सामने बीच था। एंड हम जब स्टेयर्स से ऊपर आए, आप दिखाते हैं ये पीछे पूरा बीच है एक्चुअली। यस, एंड हमने अपना कोड वर्ड था यहाँ पर हमारे प्रॉपर्टी का, तो हमने कर लिया सब अपना। तो बेसिकली यहाँ पे सारा सेल्फ सर्विस होता है, तो लॉक कोड भेज देते हैं, लॉक कोड से आप ओपन करो ये लॉक बॉक्स और इसके अंदर की होती है, और उसकी से फिर वी कैन एंटर। यस, तो आपको दिखाते हैं कि कैसा हमारा सीन है। तो बताओ हाउस। बहुत अच्छा, एंटर करते ही आपको सबसे अच्छा वार्ड लगेगा ये लिविंग स्पेस। yes. पूरा यहाँ से बीच व्यू। किस चीज का व्यू है ये, क्या है पलक? ये बीच है, रॉकअवे बीच। ये रॉकअवे बीच है। हाँ. और इसके सामने एक्चुअली ये जो पूरा है ये पूरा है पैसिफिक ओशन। यस, तो द बेस्ट थिंग इज कि हमारे सामने ओशन है और हॉराइजन पे कुछ नहीं दिख रहा है, दूर दूर तक बस ओशन ही ओशन। लोग भी बहुत कम है, मतलब मुझे तो मन कर रहा है मैं यही बैठ के एक दिन फुल एंजॉय करूं। आज तो हम यही एंजॉय करने वाले। पूरा पूरा बीच खाली है, बस दो चार लोग हैं वहां पे, वो भी प्रॉब्लम किसी और अपार्टमेंट में रह रहे होंगे यहां पे। हां, हो सकता है। तो दैट इज इट। और कितना सही लग रहा है एक्चुअली, बाहर बहुत ठंड है, बहुत ज्यादा हवा चल रही है, बहुत विंडी है, तो अंदर आके जो सनलाइट आ रही है इससे बहुत रिलैक्सिंग लग रहा है। यस यस। ओके, तो ये पूरा लिविंग स्पेस है। यस, लाइक नॉर्मल बीएनबी कॉन्सेप्ट लिविंग स्पेस, और बालकनी भी है, उसमें भी स्पेस है। यस, एंड ये किचन है। यस, दिस इज द किचन। यस, ये किचन है, सब कुछ सारी एमिनिटीज दी हुई है, सब कुछ बेसिक बेसिक एमिनिटीज है। ये डाइनिंग एरिया है और ये बालकनी है, बालकनी से भी सेम ही व्यू है। ओह माय गॉड, थोड़ा फिगर आउट करना पड़ेगा, बिकॉज मैंने पहले खोल दिया था तो ऊपर से आ गया था, सो विल फिगर आउट लेटर। बट यहाँ से व्यू सेम है, मॉर्निंग में मजा आ जाना है यहाँ से व्यू देख के। यहाँ पे सनसेट होगा, आई थिंक सनसेट बहुत क्लासी होगा यहाँ पे। यस, सो आगे मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसमें इस बेनी में क्या है। ये बेसिक स्टोर रूम है, इन्होंने यहाँ पर गेम्स रखी हुई है और और यहाँ पर ये जो रूम है ये वॉशर ड्रायर है ये पूरा, लाइक आपको और आपको लॉन्ड्री करनी हो अपनी। सो अभी ये रूम है, फर्स्ट रूम इज दिस,
ठीक है, एंड यही इसका साथ ही वॉशरूम भी है. तो वॉशरूम का कंसेप्ट मुझे बहुत अजीब लगा है. यहाँ पर क्या है ना, ये शावर एरिया है, ठीक है, और यहाँ पर ना यहाँ पर ना अंदर वॉशरूम है. जस्ट इमेजिन बाथटब है और ये ओपन ओपन कॉन्सेप्ट दिया है. यहाँ पर ओपन है एक्चुअली. यहाँ पे कोई अगर बेड पे एक्चुअली तो सिस्टम में अगर कोई यहाँ बेड पे लेटा भी हुआ है तो उसको पूरा यहाँ पे कौन नहा रहा है क्या कर रहा था दिखेगा. सी प्राइवेसी नहीं है, आई डोंट नो. और सामने यहाँ पे एक्चुअली बालकनी है, एक यहाँ की भी खुद की बालकनी है. तो वहाँ से फ्रंट का व्यू है पूरा. तो ये पूरा फ्रंट का व्यू है, रोड है और पार्किंग वगैरह है. यहाँ पर ये नेक्स्ट एक और बाथरूम है, सेकंड बाथ है. ये भी नॉर्मल बाथ है, शावर है, नॉर्मल बेसिक एमिनिटीज है. एंड ये हमारा सेकंड रूम है. यस, एंड यहाँ से व्यू फेसिंग है. ओह, सो ट्रेन आ रही है. ये ट्रेन आ रही है यहाँ से. ओह नाइस. ओह वाह, आई थिंक इट्स द ओरेगन कोस्ट सीनिक रेल रोड. यस, दिस इज, ओह वाओ यार, हमें पता नहीं था एक्चुअली ये भी यहाँ पे. और हाँ, जब हम आए थे तो हमें दिख रहा था कि ये रेलवे लाइन है, बट हाँ यहाँ से ये वाली ट्रेन जाती है पता नहीं, बट ये बहुत फेमस है ओरेगन कोस्ट ये वाली ट्रेन ना, लोग स्पेसिफिकली ये राइड करते हैं. That is nice. Yes. So, ये तो हमारा अच्छा हुआ हम टाइमली इस टाइम पे आ गया. हमें पता चल गया कि अच्छा यहाँ से ये वाली ट्रेन भी जाती है. बट ओवरऑल ये प्रॉपर्टी बहुत अमेजिंग है, वर्थ इट है, मजा आ गया मुझे तो आज तो. मैं पूरा महंगी भी तो है. ओह या, वो तो है. सो दिस प्रॉपर्टी इज एक्चुअली कॉस्टली, बट हम लोगों ने इसलिए करा लिया था इसको बिकॉज ऐसे ओशन फ्रंट प्रॉपर्टीज ऐसे टाइम पे व्हिच इज लाइक 4th of July टाइम रहे पे मिलती नहीं है. बहुत रेयर फाइंड थी ये प्रॉपर्टी. तो दिस इज एक्चुअली अ 2-bedroom कॉन्डो यहाँ पे. हाँ. और जस्ट सामने ओशन है विद अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू ऑफ द ओशन एंड वॉकिंग डिस्टेंस पे ही बीच है जो खाली रहता है. तो लाइक और रॉकअवे बीच इज ऑल्सो फेमस बीच यहाँ पे. तो इसीलिए हमने करा लिया था. कितना, आई थिंक दिस इज अराउंड 600 अराउंड डॉलर्स पर नाइट. हाँ. बट I mean, looks like it's worth it. Yes. So, आज हम अपना दिन यहीं स्पेंड करने वाले हैं. मेरा तो अभी कहीं जाने का मन नहीं. हाँ, मे भी शायद हम बेच चले जाएंगे क्योंकि अभी बहुत तेज भूख लग रही है. एंड ठंड बहुत हो रखी है बाहर और हम जैकेट लाना भूल गए हैं. Yes. तो हमारे पास है बस ये टी शर्ट. हमको लग रहा था बीच है, बीच पे तो गर्मी होगी, बट यहाँ इतनी चिली हवा चल रही है. नहीं लगेगी ना, वो जाके देखते हैं. बट बहुत चिली हवा है एक्चुअली. तो अभी तो बस हम कुछ खाते हैं सबसे पहले. और यहाँ पर ये होता है ना कि आसपास कुछ नहीं रहता है खाने पीने का. रेस्टोरेंट अभी हो रहे हैं 6:30, तो यहाँ पर सब बंद हो जाएगा. सब बंद हो जाएगा वीकेंड पर, तो जल्दी बंद हो जाती हैं चीजें एक्चुअली. एक्जेक्टली. तो अभी हम घर से ही अपना सामान लेके आए, थोड़ा डिनर अभी यहीं करेंगे. दिस इज वन ऑफ द रीजंस हम एयरबीएनबी कराते हैं, बिकॉज किचन मिल जाता है. कि अगर मान लो नहीं हो पाता है कुछ, एटलीस्ट वी आर फ्री कि हम अपना अपना खुद बना सकते हैं कोई भी चीज. हाँ, ये तो फायदा है बीएनबी का. तो अब खाते हैं, थोड़ा व्यू एंजॉय करते. तो आप हमारा इस वीडियो को अभी एंड तक देखना और आपको ओरेगन के सारी चीजें दिखाएंगे. और अभी अब नेक्स्ट तो जो बेसिकली आपको दिखाएंगे वो है यहाँ पे सनसेट. अगर यहाँ सनसेट होता है सामने तो वो आपको दिखाते हैं हाउ इट लुक्स लाइक. तो पूरा एंड तक देखना एंड हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना. अपने कॉन्डो से एयरबीएनबी से जा रहे हैं बीच पे. तो ये एक छोटा सा इन्होंने रास्ता बनाया है जस्ट फ्रॉम दी बीएनबी टू द बीच. तो प्रॉब्ली 10 कदम वॉक है एंड देन लाइक 10-20 feet वी आर एट द बीच जहाँ पे एक बहुत मस्त सनसेट होने जा रहा है इन हाफ एन आवर. अभी 8:30 हो रहा है, प्रॉब्ली अराउंड 9-10 तक सनसेट होता है यहाँ पे ओरेगन में, क्योंकि ओरेगन वॉशिंगटन के साउथ में है. तो यहाँ थोड़ा और लेट सनसेट और जल्दी सनसेट होता है एक्चुअली. लोग पतंग उड़ा रहे हैं, कितने कम लोग हैं एक्चुअली, बहुत कम, थोड़े बहुत. और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि एज लॉन्ग एज हम सन में हैं उतनी ठंड नहीं लगती, जैसे ही थोड़ा सा शेड में जाते हैं, छाँव में जाते हैं, बहुत ठंडा हो जाता है. क्यों बलक? शेड में बहुत ठंडा हो जाता है एक्चुअली. बहुत विंडी है. अभी भी ठंड लग रहा है. बट क्योंकि सन है इट्स ओके. हमारे सामने ही है अभी 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 चला जाएगा ना तो जैकेट्स निकल आएगी सबकी और ये कोई है दूर दूर तक नहीं दिखेगा. ट्रू. और ये है हमारे बीएनबी, वो सामने वाला हमारा ही है. यस.